नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं जुशान आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो कि मनोहरपुर से निकलकर सामने आई है। नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सीआरपीएफ ने केन बम बरामद किया है। चीरूबेड़ा जंगल से यह केन बम बरामद किया गया है जिसे डिफ्यूज भी किया गया है। बड़ी खबर, और आपको जानकारी यह दे दे कि आज ही यह खबर निकलकर सामने आई सुबह जब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर मिलती है और जो साजिश है नक्सलियों की वो नाकाम फिलहाल कर दिया गया है। सीआरपीएफ ने केन बम बरामद किया और इस केन बम को डिफ्यूज भी कर दिया गया है। निश्चित तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन केन बमों का नक्सली कहां इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से। पिछले इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इन नक्सलियों ने केन बम का सहारा लेकर पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया, उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया। लेकिन ये जो खबर दिखा रहे मनोहरपुर की, कामयाबी कह सकते हैं पुलिस की, कि नक्सलियों की बड़ी साजिश को सीआरपीएफ ने नाकाम किया है। केन बम बरामद हुआ है और ये केन बम चीरूबेड़ा जंगल से बरामद किया गया है। बम को डिफ्यूज भी कर दिया गया है। इससे पहले कि ये बम फटता, इससे पहले कि ये नक्सली अपने साजिश में कामयाब होते, देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केन बम को जिस तरह से डिफ्यूज किया गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से घातक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, बम विस्फोट करते हुए पुलिस के जवानों को, पुलिस को ये नुकसान करते हैं, भारी तबाही मचाते हैं। ये इतिहास पुराना रहा नक्सलियों का, केन बम के सहारे विस्फोट कर पुलिस को, सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का हम रुख करते हैं। मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष, बड़ी खबर आई मनोहरपुर से, सीआरपीएफ ने केन बम बरामद किया जिसे कि डिफ्यूज भी कर दिया गया है, एक बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं रमेश, पूरी जानकारी चाहेंगे। चवासा पुलिस से गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों द्वारा जवानों को क्षति पहुंचाने के लिए चीरूबेड़ा जंगल में ना केन बम प्लॉट किया गया। इसी सूचना पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान चलाने के बाद जराइकला थाना क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर, सीआरपीएफ कम से 2 किलोमीटर दूर जो चीरूबेड़ा जंगल पश्चिमी की ओर सर्च अभियान में वो एक केन बम मिला, स्टील का केन बम मिला, जिसके बाद बम एक्सपर्ट को बुलाया गया और बुलाने के बाद वहीं पर बम को डिफ्यूज कर दिया गया। जिस चीरूबेड़ा जंगल से ये केन बम बरामद किया गया रमेश, क्या वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, ताजा स्थिति क्या है, पूरी जानकारी दे। बम मिलने के बाद सीआरपीएफ की विशेष और अभियान चले कि अगल बगल में और कुछ ऐसा कुछ प्लॉट किया गया ना क्या, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम मिलती है उस क्षेत्र में अक्सर सीआरपीएफ का एलआरपी चलती है, तो सीआरपीएफ को जवानों को क्षति पहुंचाने के लिए सर नक्सली द्वारा ये प्लॉट किया गया था। इसलिए पुलिस अब क्या कर, सीआरपीएफ अब फूक फूक के कदम रख रही है और पूरे जंगल को छान मार रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी रमेश। तो जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है और बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी भी सीआरपीएफ को मिली है जहां पर केन बम को बरामद किया गया और देखिए जोरदार आवाज के साथ इस केन बम को डिफ्यूज किया गया। अगर ये केन बम फटता तो फिर बड़ा नुकसान ये पुलिस को, सीआरपीएफ के जवानों को कर सकता था।